नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 8 to 8 चैनल में। आज जो शेयर मैं लेके आया हूँ वो आपके सामने है और शेयर का नाम है दीवान हाउसिंग। ये शेयर अभी बहुत ही अपने लो पे है, ये मान के चलिए कि ये अपने 52 वीक्स लो पे है के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और आने वाले फ्यूचर में ये आपको जो रिटर्न दे के जाएगा यहाँ से 2 से 3 गुना रिटर्न दे के जाएगा। तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो भी सब्सक्राइबर्स नहीं हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि आपको आने वाले समय में इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोस मिलें। तो ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो शेयर का नाम आपको सामने दिख रहा है दीवान हाउसिंग, अभी ट्रेड कर रहा है 223.75 पे। आज का जो लो था वो 221 था और जो हाई गया वो 225 था। अगर हम इसके 52 वीक्स लो की बात करें तो वो 176.10 था और जो इसकी 52 वीक्स हाई की अगर हम बात करें वो 691.50 था। अगर स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का जो है 7021 है। EPS जो है 47.55 है। PE 4.71 है। बुक वैल्यू 280.28 की है और जो प्राइस पर बुक वो है 0.80। डिविडेंड ये शेयर देता है 55 का दिया है इसने और फेस वैल्यू इसकी 10 है। इंडस्ट्री पी की अगर हम बात करें तो 21.06 है। सेक्टर है फाइनेंस हाउसिंग का। नेट सेल्स पर इनकम फ्रॉम ऑपरेशन से अगर बात करें तो सितंबर 2018 में 3,487 करोड़ का जो नेट सेल्स हुआ है, जो कि जून 2018 से काफ़ी अच्छा है। अदर ऑपरेटिंग इनकम्स की हम बात करें तो 28 की है सितंबर 2018 में है और जून में वो शो ही नहीं कर रहा है कुछ। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट को देखते हुए लगता है कि टोटल शेयर्स जो कैपिटल हैं इसके वो 313.66 करोड़ हैं, जो कि मार्च 2018 की बात है, मार्च 2017 से। और इस कंपनी का जो नेटवर्थ है वो बढ़ गया है, अभी जो पहले था 7,995.80 करोड़ अभी वो बढ़ के 8,795.64 करोड़ हो गया है। डेप्थ की बात अगर हम करें जो डेप्थ है वो बढ़ा है, 79,026 का डेप्थ है मार्च 2018 में। मार्च 2017 में 71,000 का है डेप्थ। बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू के जो रेट है वो बढ़ा है, 280 का हो गया है, जो कि प्रीवियस ईयर में मार्च 2017 में 255 का था। सेल्स टर्नओवर की बात करें तो सेल्स टर्नओवर बढ़ा है मार्च 2018 में मार्च 2017 से, 10,450 हो गया है, जो कि पहले था 8,851। नेट सेल्स में की ग्रोथ में भी इनकम हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 9,334 करोड़ है, जो कि मार्च 2017 से बढ़ा है, जो कि पहले था 8,073 करोड़। PBDIT की अगर बात करें तो 9,349 करोड़ था, जो कि घटा है मार्च 2017 से, जो कि पहले था 10,048। PBDT की अगर बात करें तो वो 1,784 हो गया है मार्च 2018 में, जो कि पहले था 3,395, तो काफ़ी घट गया है ये भी। अगर हम इसके इक्विटी डिविडेंड की बात करें तो इक्विटी डिविडेंड जो है परसेंटेज जो वो बढ़ा है, वो 55 का है, जो कि पहले था 40 का 2017 में। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो फेस वैल्यू जो है इस शेयर की वो 10 की है, 2017 में भी उतनी ही थी। डिविडेंड पर शेयर ये इसने दिया है जो 5.50 का दिया है मार्च 2018 में मार्च 2017 से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर शेयर की बात करें तो बढ़ा है, 297.61 करोड़ है मार्च 2018 में, जबकि पहले था 257.82 करोड़। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर शेयर की अगर हम बात करें तो वो भी बढ़ा है, 333.17 करोड़, जो कि पहले था 282.67 करोड़। तो
इस तरीके से शेयर का जो हमने जो भी स्ट्रेटजी देखा, मेरे हिसाब से तो ये शेयर बहुत अच्छे रिटर्न्स देके जाएगा, मगर आपको पेशेंस करना पड़ेगा। शेयर मार्केट पेशेंस का ही खेल है। और ये देखिए अर्निंग पर शेयर जो है वो अभी घटा है, जो कि 37.37 हो गया है मार्च 2017 से, जो कि 92 था। तो इसमें रिटर्न्स आपको मिलेंगे, मगर आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा। मगर अभी जो जिस वैल्यूएशन पे शेयर मिल रहा है आपको, वो बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस हैं। इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर हम बात करें, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स जो हैं वो कुछ ज़्यादा इसमें परिवर्तन नहीं आया है कुछ खास। जो हम जून 2017 की अगर हम बात करें, तो 39.324 प्रमोटर्स की थी होल्डिंग, अभी वो 39.21% है, थोड़ी सी घटी है। वही FOI+DII की अगर हम बात करें, तो 60.76% था जून 2017 में, जो अभी सितंबर 2018 में 60.79% है, थोड़ा सा बढ़ गया है। तो इतना कुछ खास परिवर्तन हुआ नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जो जो शेयर का जो पोटेंशियल है, वो काफ़ी अच्छा है, दमदार है। बस ये है कि अभी थोड़ा इस शेयर में काफ़ी गिरावट आई हुई है। इस शेयर को ले लीजिए और ले के रख लीजिए, और 5 से 10 साल भूल जाइए। किसी भी शेयर मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है किसी भी शेयर से, तो आपको कम से कम 5 से 10 साल का टाइम देना पड़ेगा। ये रातों रात का खेल नहीं है कि आप आज शेयर लिया और आज ही आप अरबपति बन गए। तो होप आशा कर, है ना। चार्ट में क्या दिखा रहा है यह देख लेते हैं। अगर हम इसका मैक्स चार्ट लें, तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी इसके चार्ट में, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने लास्ट में चार्ट इसलिए कवरअप किया कि पहले मैंने स्टेट के स्टैटिस्टिक्स को कवरअप किया। चार्ट में अगर आप देखेंगे, तो ये एक जे जे कर्व बना रहा है। जे कर्व बनाते बनाते इसमें कुछ एकदम से गिरावट आई है। ये शेयर आप बिलीव करिए, थोड़े दिन के बाद फिर से बैकअप लेगा, और जिन ऊंचाइयों को छुएगा, देखिए कहाँ 13 रुपये 2003 में, और कहाँ ये जा रहा है 2018 में 530 रुपये। मतलब आप समझ लीजिए कितना ग्रोथ है इस शेयर में। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अच्छी लग रही है, मोटिवेटिव लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर जो भी आप शेयर में मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, उसको लगाने से पहले आप थोड़ा खुद का भी एनालिसिस कर लीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट में कोई भी 100% सही नहीं होता है। सब्सक्राइब करो A2Z चैनल को, और बेल आइकन को दबा दो, ताकि आने वाले सारे वीडियोस देख सके आप सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं।